नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पहाड़ी यात्री पे। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? तो इस बार हम यात्रा करेंगे टर्की की। एक खूबसूरत सा शहर यहाँ पे है इस्तांबुल। तो मैं दिखाऊंगा इस्तांबुल के चारों ओर कैसा इस्तांबुल है, इस्तांबुल के अंदर से बाहर से। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों अभी शाम के 4:30 बजने वाले हैं और हम लोग जहाज़ से अभी बाहर निकले हैं घूमने के लिए। शाम का माहौल यहाँ पे देखते हैं। अभी हम लोग ये गार्डन क्रॉस कर रहे हैं। शाम को अच्छी चहलकदमी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ के लोग घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं शाम को, कपल्स लोग स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा। देखिए इंडिया में हम जिस तरीके से मक्के खाते हैं, यहाँ पे भी आप खा सकते हैं। मक्कों का नज़ारा यहाँ पे ले सकते हैं। ये भाई यहाँ पे बेच रहा है और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह के फूड को यहाँ के लोग। दोस्तों मेरे सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे यूज होने वाली लोकल टूरिज्म के लिए यूज होने वाली मिनी ट्रेन है। अगर आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो आप ट्रेनों में भी सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेली ऑफिस जाने वाले लोग हैं ये भी यहाँ पे ट्रैवल करते हैं ट्रेनों में। तो ट्रेनों का मज़ा भी आप टर्की में ले सकते हैं। देखिए रोड में गाड़ी और ट्रेनें सब साथ में चलती हैं। दोस्तों आप मेरे सामने इसको देख रहे हैं, ये है यहाँ का मस्जिद, जाना माना मस्जिद। ये पूरे दुनिया में ये मस्जिद फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और स्पेशली मुस्लिम लोग, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। ये पूरे दुनिया में माना जाना एक मस्जिद है। मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये मुस्लिम रिलीजन में इस जगह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टर्की में और क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे मैंने यहाँ की दो चीज़ों के बारे में काफ़ी सुना है। एक है चिकन सुरमा, देखते हैं आज उसका आनंद लेते हैं, और दूसरा है यहाँ का बकलावा। मैं आपको दुकान में दिखाऊंगा बकलावा कैसा दिखता है। एक मिठाई है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस मिठाई है। चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ। बकलावा और चिकन सुरमा का स्वाद आपको कराते हैं। साथ में एक हम टर्किश टी भी पियेंगे, टर्किश टी वर्ल्ड फेमस है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मिठाई की दुकान में। सामने आप तरह तरह की मिठाइयां देख रहे हैं। मेरे सामने जो ये मिठाई आप देख रहे हैं, ये सारे बकलावा टर्किश बकलावा है। तो ये पूरी दुनिया में फेमस है दोस्तों। दोस्तों मिठाइयाँ तो ले ली हैं, साथ में हमने कुछ चिकन सुरमा और टर्किश चाय भी ऑर्डर की थी। ये भाई लोग अभी स्वाद लेने लग गए हैं। टर्किश चाय भी हमारे सामने है, आप देख रहे हैं। तो ये नई डिश हमने यहाँ टर्की में खाई, अच्छा लग रहा है, कुछ नया टेस्ट है, मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों टर्की के सड़कों पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़, लोगों की चहलकदमी यहाँ पे है, क्योंकि ये इस्तांबुल शहर टर्की का वैसे टूरिस्ट की नज़रों में देखा जाए तो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है। तो यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अभी शाम का समय हो चुका है तो काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं।
बाहर घूम रहे हर कोई, तरह तरह के व्यापारी, तरह तरह के दुकानदार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आइसक्रीम वाले। तो दोस्तों अभी जहाज़ में जाने का समय भी हो चुका है। हमारे सुमित भाई को देखिए, ये हाथ में थैला लेके जा रहे हैं जहाज़ में अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर निकले थे तो कई सारे लोगों ने हमें यहाँ से बोला था कि आते समय सूरमा लेके आना। और तो ये हम अभी उनके लिए भी लेके जा रहे हैं, सुमित भाई हमारे, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग टर्की के ऊपर। हम लोग बाहर गए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को तो ये सब शेयर करूं, ये सब बताऊं कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ की संस्कृति के बारे में थोड़ा एक झलक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। कैसा लगा बताना वीडियो में कमेंट करके। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी पहाड़ी यात्री के साथ बने रहिए, आगे की जानकारियाँ हम जाएंगे किसी और देश में तो किसी और देश के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.